मात्र कुछ ही घंटे बचे हैं आपके बोर्ड परीक्षा होने में। 16 फरवरी हिंदी का पेपर, 16 फरवरी मतलब कल का दिन, कल आपका पेपर है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप रात भर जगेंगे और पढ़ेंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो आप लोग सोएंगे भी। तो केवल कुछ ही घंटे बचे हैं जिसमें से अभी से लेकर के रात होने तक आप जो भी पढ़ लेंगे उसके बाद आप सो जाएंगे। सुबह उठेंगे तो थोड़ी देर बाद आपका पेपर रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 16 फरवरी हिंदी का पेपर जिसमें केवल कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, अब इस बीच में आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे वही आपके बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स को, आपके नंबर को डिसाइड करेगा। इस चैनल के माध्यम से आपको जितना कुछ भी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी हिंदी का जो आपका पेपर है, हिंदी में ही ये जो गद्यांश का जो टॉपिक आता है जिसमें से 2 नंबर का संदर्भ आता है, 2 नंबर की व्याख्या आती है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब कि 6 नंबर, ये मैं 100% आज की इस वीडियो में क्लियर करा देने वाला हूं। और मेरा यकीन कीजिए, हिंदी के विषय में मैं गारंटी लेता हूं कि मान लीजिए आपका 70 नंबर का रहेगा पूर्णांक, जिसमें से आपको जो है 30 नंबर स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे, मतलब टोटल पूर्णांक जो है 100 नंबर का हो गया। तो इस हिसाब से मान लीजिए 100 नंबर का आपका पूर्णांक है, तो देखिए 100 में 95 लाने की गारंटी मेरी है। बस आप लोगों को वही चीज पढ़ना होगा जो मैं कह रहा हूं। जितना कुछ भी मैं इस चैनल के माध्यम से पढ़ाता जा रहा हूं आप लोगों को, वो सब कुछ आपको बस एक बार रिवीजन करते हुए चलना है। यकीन कीजिए आप लोग भी 95% नंबर तक ला सकते हैं, ये 100% यकीन के साथ मैं कह रहा हूं। आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, कुछ ही घंटे बस बचे हैं, आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। तो आइए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, लिखा भी हुआ है कि 95% देखिए टॉपर लिखा हुआ है, मतलब कि आप लोग जो इस बार 95% ला करके टॉप करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी के लिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए महत्वपूर्ण गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या, क्या करूंगा इस वीडियो में, महत्वपूर्ण गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो देखिए इसमें आपका है पहला जो आपका गद्यांश है, मैं पहले बता दूं आपका कि मैं कई सारे गद्यांश इस वीडियो में लिया हुआ हूं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार 100% देखने को मिलेंगे। जितना मैं ये पढ़ा दे रहा हूं बस आप इतना क्लियर कर लीजिएगा, ये मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला है गद्यांश का जो ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं जो पहला गद्यांश है क्या है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। ये था आपका गद्यांश। अब इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है आपके बोर्ड परीक्षा में, सेम टू सेम ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। देखिए क्या लिखा रहेगा, पहला प्रश्न आपका रहेगा प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर दूसरा प्रश्न आपका रहेगा गद्यांश की व्याख्या कीजिए, फिर जो आपका तीसरा रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा व्यक्ति को अपने मित्रों से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए आप लोगों को ये चीज पता होगा कि आपका जो है गद्यांश का संदर्भ, ये जो संदर्भ है इसको लिखने का आता है, व्याख्या आता है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है। तो सब कुछ आपको इसी गद्यांश को पढ़कर के उसका उत्तर देना रहेगा। तो आइए देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। गद्यांश का जो है हमें संदर्भ लिखना है, तो जो संदर्भ है आप ऐसे हेडिंग डालेंगे संदर्भ, उसके आगे आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, उसके बाद ये जो आप चैप्टर का नाम लिखेंगे, मान लीजिए चैप्टर का नाम है मित्रता, तो आपने लिख दिया मित्रता, ये गद्यांश जिस भी चैप्टर से लिया गया रहेगा वही चैप्टर का नाम आप यहां पर लिखेंगे। मान लीजिए आपने लिख दिया मित्रता, तो मेरा एक बात आप लोग मानिए, वहां पर ना आप लोग स्केल से इसके नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन कर दीजिएगा ब्लैक पेन से। इससे क्या होगा कि वो चीज एग्जामिनर को कॉपी खोलते ही तुरंत दिख जाएगा, और 2-3 जगह पर जो चीज आपने सही लिखा है उस पर अगर आप लोगों ने अंडरलाइन कर दिया तो जो एग्जामिनर होगा वो आपकी पूरी कॉपी नहीं पढ़ेगा, पूरा पेज नहीं पढ़ेगा, वो आपको नंबर देकर आगे निकल जाएगा। और इस ट्रिक को अपना करके आप लोग बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं अपने बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो देखिए हम लोग कहां पहुंचे थे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, ये हो गया आपका संदर्भ, इतना कर लिया आपने, 2 नंबर आपकी पॉकेट में हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, इसी की हमें व्याख्या लिखनी रहेगी। जैसा कि आपका ये देखिए प्रश्न था, यहां पर क्या था, गद्यांश का पहले में संदर्भ लिखना था, दूसरे में है व्याख्या लिखना था, तो यही व्याख्या हम लोग देखेंगे, दूसरा जो है आपका व्याख्या। तो देखिए प्यारे बच्चों, व्याख्या करना बहुत आसान होता है लेकिन बच्चे पता नहीं कि उस चीज में
कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा। वो सोचते हैं ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, ये जो पूरा का पूरा जो हमें गद्यांश दिया हुआ है पहले से लिखा हुआ है, तो उसकी व्याख्या क्या करें। लेकिन आप लोग वो जो लिखा रहे उसको व्याख्या करने का मतलब ये है कि उसको अपनी शब्दों में अपनी भाषा में आप उसको एक बार अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको समझाना है कि जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसकी पूरा व्याख्या करना है एक प्रकार से। तो आइए देखते हैं व्याख्या क्या कर सकते हैं हम लोग। ऐसे लिख सकते हैं व्याख्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार अच्छी औषधि आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विश्वसनीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत और सुंदर बनाता है। देखिए कितनी प्यारी बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये रियलिटी है। और जो है यही चीज आपको लिख करके आना है, कहने का मतलब ये हो कि ये जो गद्यांश था सेम टू सेम इसी को जो हम अपनी लैंग्वेज में अपनी भाषा में एकदम सरल भाषा में वही चीज हमको एक्सप्लेन कर देना है, अर्थात उसकी व्याख्या लिख देनी है। उसके बाद प्यारे बच्चों आइए देखते हैं उसी में आगे जो है वो है, हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि जब हम बुरे मार्ग पर जाएंगे तो हमें सचेत व सन्मार्ग पर ले आएगा और हम में सत्य और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेगा, और जब हम कभी अपने उद्देश्यों के प्रति निराशा उत्पन्न होगी तो वह आशा का संचार करके अच्छे कार्यों के प्रति हमारा उत्साह बढ़ाएगा। देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग इस तरह के गद्यांश को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसका सेंस समझ लीजिए कि जो हमारा गद्यांश था एक्सप्लेन करते टाइम पे अर्थात व्याख्या करते टाइम पे उसमें क्या चेंजेस आए। तो सेम यही चीज आपको अपने एग्जाम में करना है, तो इसको करने से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने करा दिया इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला गद्यांश देखते हैं। तो प्यारे बच्चों अब जो आपका ये दूसरा वाला गद्यांश है वो क्या है, आइए देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूं मैं, नहीं तो आप लोगों के पास में समय कम बचा हुआ है, आप लोग ज्यादा तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं आपको ताकि आप लोग जल्दी से कवर कर लें। देखिए लिखा हुआ है, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। अब इसका देखिए संदर्भ क्या है, आपको पहले क्या लिखना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा। जो आपने क्वेश्चन लिखा था सेम टू सेम वही क्वेश्चन रहेगा, मैं ये जो करा रहा हूं इसमें से एक आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके बोर्ड परीक्षा में। इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, बोर होकर के वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, केवल कुछ घंटे का काम है। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेंगे वीडियोज के माध्यम से वही आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में सहायता करेगा आपको अच्छा नंबर लाने में। देखिए संदर्भ में क्या लिखना है, सेम टू सेम वही काम है, आपको पता है संदर्भ वही रहता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हो गया। उसके बाद आपका क्या रहता है, व्याख्या रहती है। तो आइए देख लेते हैं व्याख्या क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों व्याख्या में आप लोग क्या लिख सकते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भी कहीं अधिक मित्र की सहायता करे। मित्र का कर्तव्य है कि वह मित्र के विपदाग्रस्त मतलब ये होता है मुसीबत में होने पर उसकी इस प्रकार सहायता करे कि उसका साहस और उत्साह बना रहे, ठीक है। उसके बाद है, इस प्रकार से सहायता करने पर वह अपनी शक्ति से भी कई गुना बड़े कार्य सरलता से कर लेगा। मित्र के महान कार्यों में सहायता देने, उत्साहित करने जैसे कर्तव्यों का निर्वाह वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं दृढ़ विचारों और सत्य संकल्पों वाला होता है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका गद्यांश जो है ये हो गया। अब आइए चलिए आगे देखते हैं इसमें इसका प्रश्न क्या है। गद्यांश के बाद जो आपका प्रश्न है वो है तीसरा प्रश्न, मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं। तो इसमें सीधी सी बात पूछा गया है, जो आपका गद्यांश था उसमें मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं। तो उत्तर आप लोगों का होगा, मित्र के कर्तव्य उचित और श्रेष्ठ कार्य में मित्र की सहायता करना, उसके उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना कि वह अपने सामर्थ्य से अधिक काम कर सके। यही जो है मित्र के कर्तव्य बताए गए हैं, ये मित्र का कर्तव्य होना चाहिए। ये हो गया आपका गद्यांश, आप चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे डियर स्टूडेंट आप लोगों का जो तीसरा वाला गद्यांश है वो क्या है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। क्षय मतलब होता है नाश करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन
देखिए जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अवनति मतलब होता है एक प्रकार से विकास ना होना, अर्थात पीछे जाना, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कि उसका जो है पूरा वो हो जाना, नाश हो जाना, उसके गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान, देखिए सहारा देने वाली बाहू के समान होगी जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। देखिए ये हो गया आपका गद्यांश। अब इसका जो संदर्भ है हम कैसे लिखेंगे, मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी चैप्टर का जो संदर्भ होता है वो सेम होता है, ठीक है। उस चैप्टर का संदर्भ जो है सेम टू सेम हर गद्यांश के लिए रहेगा, क्योंकि संदर्भ का मतलब यही होता है कि उस चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम। जैसे कि देख लीजिए इसमें लिखा हुआ है हमेशा की तरह, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इतना क्लियर है। उसके बाद फिर से वही आज्ञा व्याख्या। अब ये जो व्याख्या है यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। कई सारे गद्यांश जो मैं आपको करा रहा हूं इसकी अगर आप लोगों ने व्याख्या अच्छे से समझ ली तो मेरा यकीन कीजिए आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर है कि आप लोग ये वाला व्याख्या अच्छे से करके आएंगे और आप फुल मार्क्स लेके आएंगे। जी हाँ, मैंने बताया आपको 100 में से 95 आपको आएंगे, बस जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए। तो आइए ज्यादा बात न करते हुए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या की ओर चलते हैं। देखिए व्याख्या क्या होगा इसका, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता सदाचार मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। उसके आगे है आपका, मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा पत्थर आगे नहीं बढ़ने देता है परंतु उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी सुदृढ़ बांह अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती है अपितु निरंतर आगे बढ़ाती जाती है। ये तो भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश था आपका। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन होगा आपका थर्ड क्वेश्चन वो क्या है आपका, कुसंग का क्या प्रभाव होता है, मतलब कि कुसंगति में जो लोग पड़ जाते हैं उसका क्या प्रभाव होता है। इसका जो उत्तर होगा ये होगा, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य के नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय कर देता है। यह था आपका तीसरा गद्यांश प्यारे बच्चों। अब एक लास्ट गद्यांश चौथे की ओर भी चलते हैं और देखते हैं उसका क्या है, उसका जो व्याख्या वो संदर्भ और जो क्वेश्चन क्या है उसका। तो प्यारे बच्चों जो आपका चौथा ये वाला है, क्या बोलते हैं इसका जो चौथा गद्यांश है वो क्या होगा, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यही नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में देखिए अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। उसके बाद देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी। देखिए तो मतलब ये है कि ये जो गद्यांश है इसका जो संदर्भ है वो संदर्भ आपका सेम रहेगा जैसे कि अभी तक रहता था। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इसके जो लेखक है वो रामचंद्र शुक्ल जी है। तो ये चीज आपका जो हो गया, ये संदर्भ रहेगा, ये आपको सब में वही लिखना होगा, आपको पता है। उसके आगे देखिए जो व्याख्या है इसकी वो इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढ के निकालना है इस गद्यांश से ये इम्पोर्टेंट है। बस देखिए व्याख्या जो है वो है कि शुक्ल ने बुरी संगत को कीचड़ के समान कहा है और बताया है कि इस कीचड़ से सदा बचकर रहना चाहिए अन्यथा यह हमारे आचरण को दूषित कर देगा। यदि कोई मनुष्य एक बार बुरी संगत में फंस गया और कलंकित हो गया तो वह फिर बार बार कलंकित होने से नहीं डरता है और धीरे धीरे बुरी आदतों का अभ्यस्त हो जाता है। जब बुराई आदत बन जाती है तब वह उससे घृणा भी नहीं करता और न बुरा कहने से चिढ़ता है। तो ये था आपका जो है व्याख्या। अब आइए चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें लिखा हुआ है, कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य क्या नहीं देखता और क्यों। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा, कुसंगति में पड़ा हुआ मनुष्य यह नहीं देखता कि वह एक के बाद एक कितनी कुसंगतियों में पड़ता चला जा रहा है क्योंकि वह इन कुसंगतियों का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि
उसकी इनसे घृणा समाप्त हो जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? तो मतलब ये होता है जो कुसंगति में इंसान पड़ जाता है, इसका मतलब यही है। कुसंगति में जो मतलब बुरी आदत में जो इंसान पड़ जाता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो कुसंगति उसे अच्छी लगने लगती है और वो उसी में चला जाता है और उसको घृणा भी नहीं आती उस चीज से। तो ये था आपका चार गद्यांश, इनमें से आपको बोर्ड परीक्षा में पक्का है देखने को मिलेगा। आप लोग वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस टाइम पे कर लीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड परीक्षा थोड़ी ही देर में होगा, ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है आपके पास में। आप लोग ये बताइए हमें कि क्या आप लोगों को और गद्यांश चाहिए, तो हम आपको अगले वीडियो में और भी गद्यांश प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।